आप कहते हैं कि टीम रख रही, ऊट नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले सिर्फ 30 डेज में आप कैसे 27 लोगों की टीम बनाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और ना ही आज की डेट में लोगों के पास जॉब है करने के लिए और ना ही कोई बिजनेस करने के लिए है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि कमाई बंद हो चुकी है, एक्सपेंसेस बंद नहीं हो रहे और लोग दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं। जो भी नहीं हुए हैं वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर उनके हालात डेफिनेटली बुरे होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेशन आ चुकी हैं कि आने वाले कुछ टाइम में तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों की जो जॉब है वो चली जाएगी। और इस टाइम पे इकॉनमी जो डाउन हो रही है उसमें लोगों का बिजनेस कैसे चलेगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तो आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग करना लोगों की जरूरत नहीं मजबूरी बन जाएगा। सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जॉब जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। तो आप बताएं कि और कोई ऑप्शन बचती क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हमारे लिए ये काम बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौते उन कामों में से एक है जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूं कि आने वाले 30 डेज के अंदर अंदर आप कैसे 27 लोगों की टीम बनाएंगे। दोस्तों यहां पे हम लोग टेक्निक यूज करेंगे ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। मैं आपके लिए सिंपल टू सिंपल फॉर्मूला लेके आया हूं जो कि आपके इस काम को बहुत ज्यादा इजी बना देगा। और यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आप इंडिविजुअली यहां पे काम नहीं करेंगे, आप इस प्रोसेस के थ्रू काम करेंगे टीम के थ्रू, ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि 27 लोगों को आप अकेला रिक्रूट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए आपने अकेले 27 लोगों की टीम रिक्रूट करने की कोशिश नहीं करनी है। तो आपने करना कैसे है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे लाइट्स मैंने थोड़ी डिम की है ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छे से हो जाए। तो अब करना क्या, आपने ध्यान से देखिए, आप यहां पे आप घर पे बैठे हैं और घर पे बैठ के आपने रिक्रूटमेंट करनी शुरू कर देनी है। ये चीज़ अगर आपको, वैसे तो आप ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है कि कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, फिर भी अगर आपको नहीं पता कि रिक्रूटमेंट कैसे करनी है तो आप मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहां पे आपने काम शुरू किया और आपका टारगेट क्या होएगा आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर, आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर आपने, क्योंकि अब आपके पास कोई और काम नहीं है, दिन में आप पूरा दिन फ्री हो, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आप यहां पे आने वाले 7 डेज के अंदर अंदर आप 3 बंदों की टीम रिक्रूट करोगे। क्या करोगे आप? 3 बंदों की टीम रिक्रूट करोगे। आपको 3 से ज्यादा रिक्रूट नहीं करने हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको पहले से बोला कि इंडिविजुअली आप सारी रिक्रूटमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे, सिर्फ 3 पर्सन, 3 गुड पर्सन जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं, उन लोगों का फॉर्म भरना है जो इंटरेस्टेड है और काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी हैं और घर पे बैठ के, अब क्योंकि नई स्किल्स की जरूरत है, उनको सीखने के लिए रेडी हैं। अगर कोई आपके साथ ऐसा करने के लिए नहीं तैयार है तो उसको इस 3 बंदों की टीम में आपने नहीं काउंट करना है। अब आप कहेंगे कि सर 3 बंदे कहां से लेके आऊं, मैं तो घर पे बैठा हूं। अरे भाई, अगर आप पुराने हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी फॉलोअप लिस्ट होगी, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट होगी जिनको आपने कभी ना कभी अप्रोच किया था इस बिजनेस के लिए। तो नाउ दिस इज द राइट टाइम। अब उनके पास कोई काम नहीं है, ना कोई बिजनेस, ना कोई जॉब। अब अगर आप उनको दोबारा अप्रोच करेंगे तो आई एम श्योर कि वो आपके साथ जरूर इंटरेस्ट शो करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा ही आपके साथ ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन रेशियो जो है ज्वाइनिंग की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। पर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट है तो उनमें से 3 अच्छे पर्सन को रिक्रूट करना इज नॉट अ बिग टास्क। तो आपने 3 पर्सन अभी रिक्रूट करने हैं नेक्स्ट 7 डेज में, इज इट ओके? अब उसके बाद आपने आना है नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि नेक्स्ट 7 डेज में होएगा। नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट 7 डेज में, नेक्स्ट 7 डेज में आपने जिन 3 लोगों को रिक्रूट किया था उन लोगों को मदद करनी है नेक्स्ट 3, उनके नीचे 3 3 लोगों को ज्वाइन करवाने में। 3 लोग जो आपने रिक्रूट किए थे उनको 3 3 लोग ज्वाइन करवाने में आपने हेल्प करनी है, एंड दैट बिकम्स 3 × 3 = 9। 3 लोग आपने रिक्रूट किए, उन 3ों को 3 3 लोग रिक्रूट करवा के दिए थे, आपकी टीम में अब हो गए टोटल 9 बंदे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि वेरी सिंपल मैथ, बहुत इजीली आप ये समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब टोटल आपके 14 डेज यहाँ पे यूटिलाइज हो गए। 7 दिन में आपने 3 बंदे रिक्रूट किए और नेक्स्ट 7 दिन में आपने नीचे 3 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, उनको सपोर्ट की। अब आना है आपने नेक्स्ट स्टेप पे। आपने जो अभी तक जिन लोगों को आपने रिक्रूट किया उन लोगों की 14 डेज में साथ के साथ आपकी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, आप उनको रेगुलरली ट्रेनिंग्स के साथ अटैच कर रहे हैं, जो कंपनी की ट्रेनिंग्स चल रही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 7 डेज के ऊपर। नेक्स्ट 7 डेज यानी कि 7 और 7 14 दिन पहले यूज़ हो चुके थे, अब हम लोग जा रहे हैं 3rd हफ्ते में और अभी लॉकडाउन लंबे समय तक चलने वाला है मुझे ऐसा लगता है। तो आप घर पे बैठे हैं तो नेक्स्ट 7 डेज आप रिक्रूट करने में उन लोगों को हेल्प करेंगे जो 9 लोग आपने रिक्रूट किए थे। अब उन लोगों को भी आपने 3 3 पर्सन रिक्रूट करने में हेल्प करनी है, मतलब 9 लोग जो आपने रिक्रूट करवाए थे उनके नीचे 3 3 लोग और रिक्रूट करवाने हैं अब आपने। तो ये बनता है 9
इंटू टी 9 × 3 = 27 पीपल। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बड़े आराम से समझ आ गई। तीन लोग आपने ज्वाइन कराए, उन लोगों को हेल्प किया तीन तीन लोग रिक्रूट करने में, और फर्दर उनको फिर आपने हेल्प किया तीन तीन लोग रिक्रूट करने में, तो टोटल आपकी बन गई आने वाले जस्ट 21 डेज में T7 लोगों की टीम। पर दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आने वाले 30 डेज में आप रिक्रूट करेंगे 27 पीपल, तो ये जो बाकी के बचे हुए दिन हैं, क्योंकि आपने सिर्फ 21 डेज में रिक्रूट किए हैं ये पर्सन, तो आने वाले बाकी के जो डेज होंगे आपके, वो मैंने इसलिए आपको एक सरप्लस दिया है ताकि बाय चांस अगर आप 21 डेज में ये रिक्रूटमेंट नहीं कर सके 28 डेज की, तो आपके पास फिर भी कुछ डेज बाकी बचे हों ताकि आप अपना ये गोल जो है बड़े आराम से अचीव कर जाएं। आई होप कि इट सीम्स टू बी वेरी इजी फॉर यू, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये जो करना है ये काम सिंपल है, बड़ा इजी तब होएगा अगर आप उसके ऊपर 100% फोकस करके काम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे। क्योंकि अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे और पूरा 100% अपना एनर्जी नहीं लगाएंगे, फोकस नहीं लगाएंगे, तो फिर ये काम शायद आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं और आप इसके ऊपर काम करते हैं तभी आपके लिए पॉसिबल होगा। अगर आप काम नहीं करते हैं और दिल से आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही, आपको लगता है कि ये नहीं पॉसिबल, आपको लगता है कि जो हरमन बता रहा है वो गलत है, तो मैं आपको अभी से बता दूं कि ये रिक्रूटमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको अपने पे विश्वास है और इस टेक्निक के ऊपर विश्वास है, तो आप अभी से डट जाएं, अभी से एफर्ट्स करना शुरू कर दें और पूरे विश्वास के साथ काम करना शुरू कर दें। आई गारंटी यू कि आप जरूर अपने मकसद में सक्सेसफुल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा, और ये नॉलेज सिर्फ अपने तक लिमिटेड मत रखिएगा। अभी अपना व्हाट्सएप नंबर उठाइए और सभी लोगों को अपनी टीम में जरूर इसको फॉरवर्ड करिए, ताकि हर बंदा आपका ये समझ पाए कि ये कितना ईजिली वो रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।